गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ में। आज हम लोग कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कंजक्शन क्या है? तो एक कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट जॉइंस वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल इसको समझते हैं। अजय इज फैट, हिज सिस्टर इज थिन। अजय इज फैट, हिज सिस्टर इज थिन, दो सेंटेंस है। अजय इज फैट बट हिज सिस्टर इज थिन। जब हम इसको एक सेंटेंस बनाए तो दोनों को सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन किया? बट। तो बट हमारा क्या है? कंजक्शन है। इसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। रवि डिड नॉट कम टू स्कूल, ही इज सी। रवि डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज सी। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? बिकॉज। कंजक्शन तीन तरह का होता है। थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन है। कौन कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ज्वाइन वर्ड्स फ्रेज एंड क्लॉज इन अ सेंटेंस। वर्ड्स को जोड़ता है फ्रेज को और क्लॉज को सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो हम यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे वो कौन कौन है? फोर एंड, नॉर, बट और, एट एंड, सो। तो ये सारे कंजक्शन को याद रखने का एक हमारे पास छोटा सा ट्रिक है। अगर हम लोग इसको लिखते हैं फैम वाइज तो ये सारे कंजक्शन हमको आसानी से याद रहेगा। जैसे ए से फोर, ए से एंड और एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट एंड एस से सो। तो अगर ये हमको याद है तो सारा हमको पता चल गया कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब हम लोग नंबर टू देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। आइदर और, नाइदर नॉर एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन और भी हम बहुत सारे नीचे में लिखे हुए हैं। जैसे आइदर और, बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, एज। तो ये सब बहुत सारा जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिलेटिव कंजक्शन, ये हमेशा पेयर में ही यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल है, द डिश वाज आइदर टेस्टी और हेल्दी। तो आइदर और दोनों को एक साथ यूज हुआ। तो ये जब भी होगा तो ये पेयर में एक साथ ही सेंटेंस में यूज होते हैं और ये सारे क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब नंबर थर्ड हम लोगों का है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? ज्वाइंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आफ्टर है, ऑल्दो है, एज इफ है, एज लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे जो भी है उसको लिखा हुआ है। हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में देखते हैं क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डजंट नीड टू गो इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के मिडिल में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, बट डिपेंडेंट क्लाउजेस कैन बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लाउज। जैसे सेंटेंस समझते हैं, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं यहाँ। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, ये सेंटेंस है। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। तो ये बिकॉज हमारे यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये यहाँ जितने भी लिखा हुआ है ये सभी हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस प्रकार हम लोग देखें कि तीन कंजक्शन कौन कौन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तीनों कंजक्शन है। आज इतना ही। थैंक यू।